ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। मैं हानिया आमिर सोजा आमिर लियाकत हुसैन। आमिर ने मुझसे एक साल पहले 27 जून 2020 में निकाह किया था और ये निकाह खुफिया था, मेरी फैमिली को नहीं पता था, ना ही मेरे मीडिया को। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, 5 साल से मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन कराची में थी मेरे साथ, ये मौजूद थी मेरी बहन ईमान, मैं ये चश्मदीद गवाह थी मेरे साथ। और आमिर लियाकत हुसैन के पास तमाम प्रूफ हैं सारे, उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिलाया था कि मुझे पता नहीं था कि वो मुझे चीट करेगा। वो मेरे घर तक भी आया, जो जो मैंने कहा उसने मेरी बात मानी। लेकिन बीच में जब अभी 3 मंथ पहले की बात है, उसका ट्रांसमिशन थी रमज़ान की, शुबान की, तो उसने मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ। 9 मार्च को आए थे ना घर, 9 मार्च को आए थे हम, मिले थे, हमारे घर आया था, तो उसने मुझे मोबाइल भी गिफ्ट किया था, वो ज़रा दिखा देना, रसीद वगैरह, रसीदें दिखाओ, चलने के बाद मैं दिखाती हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि हानिया, जब उन्होंने मुझसे शादी की थी ना तब उनकी लाइफ में तौबा थी ना गुस्सा थी, कोई भी नहीं था। तो उन्होंने मुझसे शादी की, शादी करने के बाद अब वो, जब मैंने उन्हें कब से कहे थे एक्सपोज करें, जब मैंने उन्हें एक्सपोज करने के कहा वो एक्सपोज नहीं कर रहे, वो मुझे डिनाई कर रहे थे वाइफ मानने से। जब मैंने एक्सपोज कर दिया तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम एक्सपोज करोगी भी तो मैं सबके सामने तुम्हें रिफ्यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई इस लड़की को नहीं जानता। उन्होंने ना सिर्फ मेरी इंसल्ट की है, तोहीन की है, बल्कि मेरी फैमिली की भी। फिर मुझ पर अटैम्प्ट टू मर्डर करवाने की कोशिश की, 3 मंथ तक मुझे बांध के रखा घर में, लॉक करके रखा, मुझ पर तशद्दुद करवाया, ये निशानात आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने जैसे जैसे सोशल मीडिया पर मैं गई, मैंने फेसबुक से लाइव सेशन किया, मुझे रोकने की कोशिश की। फिर जब मैंने देखा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मुझे नहीं फ़ायदा हो रहा, ये लोग मुझे समझ रहे हैं साइको पागल, क्योंकि आमिर चाहता था कि मैं साइको पागल बन जाऊँ और वो मुझे पागल आने या फिर मुझे पुलिस स्टेशन में बंद करवा दे और ख़ुद वो मदर से अपने ट्रांसमिशन करे और लड़कियों के साथ रंग रलियाँ मनाए, जैसे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है। मुझे उसकी वाइफ के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तुबा के साथ, ना बुशा के साथ, शादी ना मेरे शादी के वक्त ना वो थी ना मेरी फैमिली थी, ठीक है, शादी हम दोनों की हुई है। मेरी शादी के जो गवाह हैं वो हैं आदिल छुरी, मोइज़ उमर, एक्सप्रेस टीवी में मेरा निकाह हुआ, एक्सप्रेस टीवी वालों ने तमाम चीज़ें छुपा ली, सब चीज़ें उन लोगों ने छुपा ली हैं और वो लोग मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। यहाँ पर आज मैं आई हूँ, आने से पहले मुझे रोका जा रहा है, जो पेमेंट मेरे पास थी वो पेमेंट चोरी होगी। मैं पुलिस स्टेशन में गई हूँ 26 को, जब मैं एक शो करके निकली हूँ वहाँ पर मुझ पर अटैम्प्ट टू मर्डर हुआ जी, मुझे रोका गया कि रास्ते में कि आपने वीडियो नहीं बनानी, अगर आज की बात आप बोली तो हम आपको जान से मार देंगे, आपकी फैमिली को। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैंने अपना मुंह नहीं बंद किया, मैं फिर भी बोलती गई, लेकिन उन्होंने फिर जब देखा कि ये नहीं रुकी, घर जाके दोबारा से मैंने लाइव सेशन किया, उन्होंने मेरे घर में इसको, इस घर आए, दरवाज़ा लॉक हुआ, मैंने समझा मेरे साजिद भाई आ गए, मेरे भनोई आए हैं, मैंने दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि रात के टाइम पर वो आते हैं। तो जैसे ही हुआ उन्होंने इस पर गन पॉइंट रखी से निशाना बनाया, ताकि ये चश्मदीद गवाह थी। फिर मैं चुप हो गई, उन्होंने मेरे पेट में टांगे वगैरह मारी, बहुत ज़्यादा मारा, जिसके बाद तशद्दुद किया। एक था सैयद मुमताज़ बुखारी, जो कि उनके ड्राइवर हैं, जो कि पार्लियामेंट लॉजिक्स में होते हैं, जे ब्लॉक 305 फ्लैट नंबर है आमिर लियाकत हुसैन का, जो कि हम जहाँ पर हम रहते रहे। तो उन्होंने ये काम किया, इस बच्चे को निशाना बनाया, धमकियाँ दी मुझे, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होगी। मैंने 15 पे फ़ोन किया तो उन लोगों ने उस टाइम पे टीम नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जाएं हॉस्पिटल जाएं। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे पुलिस मेरे पास आ गई, फिर मैं कभी एक हॉस्पिटल जा रही हूँ, कभी दूसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ, कभी तीसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो फिर DHQ वालों ने मुझे रेफ़र किया यहाँ पर पिम्स वाले मेडिकल नहीं बना कर दे रहे। 26 को ये हादसा हुआ, आज कितने दिन हो गए हैं। अब मैं सुबह से कभी थाना नून जा रही हूँ, पुलिस वालों को कॉल कर रही हूँ, कभी मैं जा रही हूँ, ये 26 को हुआ था जी, 26 को जी जी, इसी मंथ की बात था, ये आज से 4 दिन पहले का वाक्य जी, किस जगह? मेरे घर जंगी सैला। अच्छा हानिया, ये बताएं कि डॉक्टर अमन लियाकत ने कहा था कि आपके वालिद कराची गए थे आपको लेने के लिए जी, और उन्होंने वहां एक्सक्यूज किया और कहा कि मेरी बेटी साइको है, इसमें कितनी हकीकत है? क्या मैं आपको साइको पागल नजर आ रही हूँ? जी सर्टिफिकेट लिया,
जी जी बिल्कुल है। पहले फेसबुक से सिलसिले का आगाज हुआ। फेसबुक से मैं, जैसे कि मैं अपनी पिक्चर्स, मैं एक्टर हूँ, मैं आपको पता है पोल ड्रेसिंग करती हूँ, मैंने वो पिक्चर्स अपलोड की, जैसे जैसे मैं पिक्चर्स अपलोड करती थी और उनके गंदे बेहुदा मैसेज, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, आप लोग उनका क्यों नहीं मेडिकल करवाते, अगर मैं पागल साइको हूँ तो वो क्या है, मुझे तो इस टाइम वो पागल साइको नज़र आ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। वो तो कभी हमारे मीडिया को गालियाँ दे रहे हैं, कभी हमारे इमरान खान साहब पे तनकीद हो रही है, कभी वो क्या कह रहे हैं कभी क्या कह रहे हैं, उनका तो कोई एक बयान ही नहीं है। मेरे मोबाइल एक्सप्रेस टीवी जब मैं गई लाइव सेशन मैंने किया, आप सब लोगों के सामने था वो, मेरे मोबाइल क्यों लिए, ऊपर से जब मैंने कहा कि मैं अपने कपड़े उतारने लगी, ऊपर से आवाज़ आई, उसके बाद मेरा लाइव सेशन रोक दिया गया। थाना ब्लॉक स्क्रूनी में जो मेरे साथ हुआ वो आप सब लोगों को पता है। मैं देखिए, हजार लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरी आदत है कि मैं हर एक को ब्लॉक करूं। मैंने मना किया था उन्हें, मैंने कहा था डॉक्टर साहब आप ऐसे नज़र नहीं आते जो आप इस तरह बेहुदा बातें कर रहे हैं, फिर जो आप उन्होंने मुझे आगे से वॉइस मैसेज भेजे वो मैंने शेयर किया। देखिए सर, मैं पार्लियामेंट लॉजिक पे जाती रही हूँ, वहाँ पर कोई आम लड़की नहीं जा सकती, वहाँ पर वीडियोस लगी होती है, जब मैं एयरपोर्ट की हूँ उनको छोड़ने लास्ट टाइम, वहाँ पर भी कैमरास हैं। उन्होंने की थी, पहले मैंने कहा था ये बूढ़ा इंसान है, मैं उन्हें रिजेक्ट कर रही थी, लेकिन जी 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 दोस्त के साथ कपड़े उतार के बात नहीं की जा सकती, दोस्तों के साथ नंगा होके बात नहीं की जाती, समझ आई? आपने अपने बातों में बताया कि मैं गई हूं वहां पर, कपड़ों की बात आपने नहीं की अपने बात। एक्सक्यूज मी, वीडियो कॉल आप लोगों के सामने है, गलत क्वेश्चन कोई भी मत करे, मैं उसका जवाब देने की पाबंदी। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात एक्सप्रेस टीवी वालों का मैं नाम दे रही हूँ, एक्सप्रेस टीवी वालों का एक रिकॉर्डिंग आप लोगों से सुनाना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, ये एक्सप्रेस टीवी वालों की टीम की तरफ से है। मैंने तो अपनी मौत को गले से लगाया है करवाने के लिए, 3 महीने तक मैंने जुल्म बर्दाश्त किया, तो मैंने इससे बर्दाश्त नहीं किया कि मैं एंड पे आकर लोग सब बोलेंगे हाँ लिया तुमने, अच्छा नहीं किया तो हाँ लेकर कि जी जी लोग सब माफ। धमकियाँ दी जा रही हैं खर्च करवाने की, फिर अब मैंने रात को मोइस को फ़ोन किया, मोइस ने मेरी कॉल कट कर दी, मोइस उमर जी। जी मैं मैसेज है मेरे पास कुछ, मैं उनके सुनाना चाहूँगी। आपने हानिया उनके साथ शादी की, शादी के कितना अर्सा आप आ रही और अब आप क्या चाहती है? मुझे इंसाफ चाहिए। क्या चाहती है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से, क्या चाहती है और आपके पास देखिए वहाँ पर जाके हमने ये साबित करना होता है कि हमारा ताल्लुक था या नहीं, तो वो तो मैं साबित कर सकती हूँ। ये कुछ वॉइस मैसेज मैं आपको सुना चाहूँगा। हानिया ये बताएं कि एक्सप्रेस टीवी की जो रिकॉर्डिंग आप सुना रही हैं, ये हैं कौन, इनका नाम बताएं, किस ओहदे पे हैं, क्या पोजीशन? ये आदिल सूरी के कोई जानने वाले हैं तो वो करवा रहे थे। अच्छा, मैंने नंबर भी शेयर किया हुआ है, नाम मुझे नहीं पता, ना ही उन्होंने बताया। अगर शादी की है तो शादी करके कोई ये नहीं करता, अपने हेल्थ अपने ड्राइवर को ये नहीं बोलता कि जाओ जाके मेरी बीवी पे जुल्म करो, मेरी बीवी का रेप करने की कोशिश करो ताकि मेरा मुंह बंद हो जाए। बीवी होने का सबूत देना, ऐसे तो अच्छा हां ये इसकी तीन तरफ होती है निकालना, हमें कि
उन्होंने मुझे दिया ही नहीं था ताकि वो खुफिया उन्हें रखा था ना, ये आपको मैं वॉइस मैसेज सुना रही हूँ, आप लोग सुनना चाह ही नहीं रहे। ये भी कहा गया था कि बेसिकली मुझे हरासा करके प्लान बनाया गया, रकम ऐंठना चाहती है और उसके बाद रकम। अच्छा, अगर मैंने प्लान बनाया हुआ है तो उन्हें किसने कहा था कि मेरे घर आए, वो भी रात को, आधी रात को? फिर कुछ सबूत है मेरे पास, मैं वो दिखाना चाहूँगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो हेल्प करने आए, तो मेरा अकाउंट 5 साल से बना हुआ है, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं खुद कमाती हूँ और अपनी फैमिली की खुद हेल्प करती हूँ। ये जहाँ से हमने ज्वेलरी ली थी तीफ ज्वेलर्स, जो उन लोगों ने चोरी कर ली है, ठीक है, और ये सारी सीधे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मेरी कोई कहीं कोई मेरी बात सुन नहीं रहा, मेरी पुलिस स्टेशन वाले नहीं सुन रहे। आपके साथ वादे क्या किए थे? उन्होंने वादे ये किए थे कि मैं, मेरी हुकूमत का टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं अनाउंस करूंगा 2 साल बाद। सैयद मुमताज बुखारी और सैयदा तुबा, में एक तुबा नामी लड़की है जो उनकी, अब पहले उनकी वाइफ नहीं थी, जब मुझे उन्होंने अपने निकाह में कबूल किया था तब कोई भी नहीं था, तो अब वो आ गई हैं। मैं भी कलमा पढ़ के कह दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उनकी वाइफ हूँ, वो भी कलमा पढ़ के आके मीडिया में कहें कि वो मुझे नहीं जानते, वो क्यों नहीं कह रहे? वो कुरान पाक पे हाथ रख कर बोले कि मैं उन्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ, मेरे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। मैडम, आपने अपनी वालिदा को गालियां दी है तो कलमा पढ़ना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? एक्सक्यूज मी, वो उनके ड्राइवर ने जो मेरे साथ किया, मुझे नशे का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, फेक मेडिसिन दी जा रही थी। नशे में आपने गालियां दी थी? जी बिल्कुल, मैं अपने होश आवाज में नहीं थी। मैंने उस इंसान पे इतबार किया, ठीक है, उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर, ठीक है, अपने निकाह में मुझे कबूल किया था, और फिर उसके बाद उसने जो मेरे साथ धोखा किया और जो किया, ये है ना, ये सुहाग रात का दिन, सबसे पहले उसने ये मुझे गिफ्ट किया था, ये हर टाइम मैं क्यों पहनती हूँ अपने हर वीडियो में, ये उसने गिफ्ट किया था, और सबसे पहले उसने वुजू करके 2 नफिल खुद अदा किए थे, मुझे पढ़ाए थे, और कसम में मुझसे वादे लिए थे कि तुम तूबा की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तुम मुझसे बेफाई नहीं करोगी, और उसने कहा था कि तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है एक्टिंग के लिए, तुम एक्टिंग नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात, मैं जब भी कराची जाती हूँ, कराची से मुझे यहाँ पर वापस क्यों भेजा जाता है? हम रिलेशनशिप नहीं था हमारा, फेसबुक पे कॉन्टैक्ट सिलसिला स्टार्ट हुआ, उसके बाद बैक जब मैं पहली मुलाकात में गई तो निकाह हो गया। ईमान आप बता दो, ये है, बोलो जी। जी, तूने मुझे कहा था तूबा से उनके पहले से इख्तलाफात थे, फिर जब मैं मामा के घर आई, मैं वॉइस मैसेज में सुना दूंगी आप पहले। नहीं, उनके कहने का ये मकसद है कि आपने कहा कि तूबा उस वक्त उनके निकाह में नहीं थी। मुझे यही बताया गया था कि वो उन्हें डिवोर्स कर चुकी हैं, तब मैंने उनसे शादी की थी, ना बुशा थी ना तूबा थी, लेकिन मुझे चीट किया गया। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, कोई पिक्चर, कोई वीडियो? जी जी, निकाह की जो ये मोबाइल मैंने न्यू लिया यहाँ से, जो मेरे मोबाइल है वो एक्सेस टीवी वालों ने छीन लिए हुए हैं। अगर इतने सच्चे हैं तो मेरे मोबाइल दें ना मुझे वापस। जी मेरा मोबाइल है, अगर वो इतना सच्चा बंदा तो मेरे दोनों मोबाइल एक्सप्रेस टीवी वाले मीडिया वालों को देना। चलो ठीक है, थैंक यू।